अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर और कीमा ग्रीन मसालों के साथ। 500 ग्राम मैंने मटन का कीमा ली हूँ, वॉश करके पानी सोख करके रखी हूँ। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ धनिया है फ्रेश वाली, और पुदीना धनिया से कम है क्वांटिटी में। दो मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक चॉप करके ली हूँ मैंने। और ये 60 से 70 ग्राम मटर है पैकेट वाले। और ये कुछ ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली, धनिया और पुदीना हम पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ी हल्दी यूज़ करेंगे हम, नमक है और धनिया जीरे का पाउडर, 1.5 से 2 तेज़पत्ता है, गरम मसाला है छोटा 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच दही है। कीमा मैरिनेट कर ते वक्त यूज़ करेंगे हम दही। सबसे पहले हम कीमा मैरिनेट करते हैं। इसमें मैंने डाली हूँ 2 चम्मच दही, और ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये नमक ली हूँ मैंने। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए दी हूँ। फिर इस पैन में मैंने ऑयल ली हूँ 100 ग्राम जितना। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, और इनको हल्का फ्राई कर लेंगे हम। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। इस तरह से होने पर मैंने ऐड करी हूँ तेज़पत्ता, इनको भी मैंने 1 मिनट तक चलाई हूँ भूनते हुए। और फिर इसमें ऐड करी हूँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच। मिक्स करेंगे इनको पानी सूखने तक। फिर पानी सूखने पर हम इसमें छोटा 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी ऐड करी हूँ मैंने, बस कलर के लिए हल्का। और ये ग्रीन चिल्ली धनिया पुदीने का पेस्ट है, ये ऐड करी हूँ मैंने इसमें। इसका अच्छे से पानी सूखने पर ऐड करी हूँ मैंने धनिया जीरे का पाउडर और 1/2 गरम मसाला। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इस तरह से होने पर मैंने ऐड करी हूँ इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको ये मसाले के अंदर कीमे को। फिर इस तरह से होने पर मैंने इसको ढक के 2.5 से 3 मिनट तक पकाई हूँ कीमे का पानी छूटने तक। फिर इस तरह से होने पे मैंने इसका ढक्कन निकाल के मिक्स कर ली हूँ एक बार। और मिक्स करने के बाद फिर से मैंने इसको 2 से 2.5 मिनट पकाई हूँ और पानी सूखने तक कीमे का। तो इस तरह से हो गया था ये पानी सूखने पर। फिर इसमें मैंने ऐड करी हूँ बचा हुआ गरम मसाला और ये मटर। मटर आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने कम ही ली हूँ। फिर इस तरह से मिक्स करने पर ये मसाले का मैंने 1/2 गिलास से भी कम पानी ऐड करी हूँ और मिक्स करी हूँ इन सारी चीज़ों को। फिर ढक के मैंने इसको 2.5 से 3 मिनट पकाई हूँ। फिर इस तरह से होने पर मैंने इसमें ऐड करी हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा पानी। तो टोटल 1/2 गिलास पानी इसमें यूज़ हुआ होगा। मिक्स करेंगे आप इन सारी चीज़ों को। फिर ढककर मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको स्लो गैस पे पकाई हूँ। मटर भी पक गए थे, तो इस तरह से हो जाने तक हमको पकाना है कीमे को। फिर करेंगे इसको डिश आउट। तो इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है। आपको थोड़ा लूज़ बनाना है तो इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक बार आप भी बनाएं, ट्राई करें, और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सबको दुआ में याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।